Yo, what's going on guys? कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि हम लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं यार। आज मैं आपकी भारी डिमांड के बाद दोबारा से लेके आया हूँ मक। I know आप में से बहुत लोगों को ये देखना था, तो इसीलिए मैं और चॉप आज फिर से ट्राई करेंगे मक में एक नया चैलेंज कम्प्लीट करने का। और तो और गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं, जो पहली बार इस वीडियो पर आए हैं, हमारे चैनल पे 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले, तो जल्द से जल्द करवा दो। मक एक ऐसी गेम है भाई जो कि माइनक्राफ्ट का आई थिंक कॉपी कैट है, पता नहीं भाई, मेरे को नहीं पता, लेकिन माइनक्राफ्ट से काफी ज्यादा मजेदार क्योंकि इसके ग्राफिक्स भाई माइनक्राफ्ट से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ओके, तो इसीलिए आज हम लोग जाने वाले हैं एक नए अपडेट को एक्सप्लोर करने के लिए। और इस नए अपडेट में गाइस गोल्ड आया है, एडमेंटियम आया है, बेसिकली बहुत कुछ। ये देखो ऑबेमियम, पता नहीं ये क्या है भाई, ये भी एक नया मेटल आया है। और गाइस इन सारे मेटल से ना हम लोग यार अपना आज का टारगेट रखते हैं कि एक जबरदस्त आर्मर बनाएंगे, टूल्स बनाएंगे और उनको इक्विप करके उनकी पावर को टेस्ट करेंगे। ये भी देखेंगे भाई कि कितने ज्यादा इफेक्टिव है ये चीजें रियल लाइफ में, इनका कोई काम भी है या फिर नहीं। फ्रॉस्ट भाई यार, मेरे को तो लगता है ये सारी चीजें फालतू की है भाई। अच्छा भाई, और जब मॉन्स्टर्स अटैक करेंगे तो हम लोग क्या अपने हाथ से मारेंगे उनको? तो गाइस इसीलिए मेरे को चाहिए सबसे बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पे मटेरियल, क्योंकि हम लोग चैलेंज करने वाले काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को। और फिलहाल के लिए गाइस हम लोगों को चाहिए एक आयरन एक्स और एक आई थिंक आयरन पिकैक्स, क्योंकि अगर वो हमारे पास जल्द से जल्द होगा ना तो हम लोग यार आयरन से माइन कर सकते हैं गोल्ड को, और फिर गोल्ड जो है गाइस उसको हम लोग यूज करके बहुत जबरदस्त ओपी लेवल का आर्मर बना सकते हैं और किसी भी मॉन्स्टर को मजे चखा सकते हैं। सो गाइस बेसिक पॉइंट इस गेम का यही है यहां पर कि आपको यार सबसे बेस्ट इक्विपमेंट बनाना है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, देखो वुड का एक्स हम लोगों ने अनलॉक कर लिया फाइनली। अब मेरे को यार नियांड्रथाल के जैसे पत्थरों से नहीं तोड़ना होगा पेड़। फ्रॉस्ट भाई यार, आपने इतनी जल्दी इतना सारा कुछ बना लिया भाई, मेरे लिए तो रुक जाते। अरे नहीं 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 भाई, तू उस किस शक में जी रहा है, मैं मेहनत भी बहुत तेजी से कर रहा हूं, तेरे जैसा बैठा हुआ नहीं हूं। ऑलराइट गाइस, चॉप अपना उधर मेहनत कर रहा है, मैं इधर कर रहा हूं। और बेसिकली जितने भी स्टैचूज है गाइज उनको हम लोग चैलेंज करेंगे ना तो वो मॉन्स्टर्स बन जाते हैं, लाइक बॉस होता है ना, बॉस फाइट होने लगेगा हम लोगों का। तो उसके लिए हम लोगों को यार अच्छे वेपन्स चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो मेरे को यहाँ पर रिसेंटली अच्छे से पता चल गया है कि किस गेम के अंदर क्राफ्टिंग का जो सिस्टम है ना वो किन चीजों पर चलता है। तो बेसिकली हम लोगों को पहले हाई क्वालिटी मटेरियल बनाने हैं, फिर रॉक और कोल को माइन करना है जैसे कि यूजुअली होता है माइनक्राफ्ट में। जिन लोगों ने माइनक्राफ्ट देखी उनको पता होगा, लेकिन भाई इस गेम में मजेदार बात यह है ना कि आप जब चाहे जैसा चाहे हाई क्वालिटी घर बना सकते हो। और प्लस गाइस ये गेम बिल्कुल फ्री है, जी हाँ, एक भी रुपया नहीं देना है आपको। लिटरली स्टीम पे जाना है आपको, मक टाइप करना है और टोटली फ्री है। पता है मैं भी शॉक हो गया यार। तो जो लोग बोलते रहते हैं कि मेरे पास माइनक्राफ्ट खरीदने के पैसे नहीं है, ब्रो यू कैन गो टू द स्टीम राइट नाउ और इस गेम को अभी के अभी डाउनलोड करो। मतलब फ्री गेम है, मजे लो भाई, खुद से एक बार एक्सपीरियंस करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं इस गेम को इतना अच्छा क्यों बोलता हूं। ओके, तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहां पर हम लोगों ने काफी सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर लिए। ये देखो ये गोल्ड है और मैं इसको माइन नहीं कर पा रहा, कितनी भी कोशिश कर लूं मैं माइन नहीं कर पा रहा। इसके लिए हम लोगों को चाहिए आयरन का इक्विपमेंट, और आपको तो पता ही है भाई अभी वुड का है, वुड से फिर हम लोग स्टोन पे जाते हैं, स्टोन से अपन लोग फिर जाते हैं आयरन पे, और उसके बाद जाते हैं गोल्ड पे। और तो और गाइस देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जैसे अभी यहां पर ये गाय है तो हमें इनका मीट चाहिए होगा गाइस सर्वाइव करने के लिए। देख सकते हो अभी मेरे को रॉ मीट मिला है, और मैंने ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया कि भाई यार रॉ मीट क्यों मिलता है, मेरे को पका हुआ खाना क्यों नहीं मिलता है। तब पता चला कि भाई कोल्ड्रन बनाना होगा हम लोगों को, फर्नेस बनाना होगा, और उसके बाद उससे हम लोग बहुत तेजी से कुक्ड मीट खा सकते हैं। तो गाइस वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है, मैं सच बता रहा हूं। अगर आप कच्चा खाओगे ना तो भाई आपको उतना ज्यादा हेल्थ गेन नहीं होगा, बट अगर आप पका के खाओगे तो भाई लाइक आधा हेल्थ बार एक ही बार में भर जाता है। फ्रॉस्ट भाई यार जल्दी से बनाओ ना भाई, मेरे को भी खाना है टेस्टी टेस्टी। अरे ठीक है एक सेकंड रुक भाई, मैं यहां पे माइनिंग कंप्लीट कर रहा हूं और उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे एंड वी विल स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, अभी तो रात भी हो गई है, मेरे को थोड़ा और माइनिंग करना पड़ेगा गाइस, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूं, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, फाइनली मेरे पास काफी ज्यादा मटेरियल हो चुका है यहाँ पर, और अभी हम लोग देख सकते हो एकदम रात के अंधेरे में है। नहीं रात नहीं, एक्चुअली पता है अभी 10 बज रहे, जल्दी सुबह होने वाली है, आई थिंक 12 बजे सुबह होती है। सो अभी हम लोग यार आ चुके हैं अपने वर्क बेंच पे, और ये देखो फर्नेस अनलॉक हो चुका है, अब मैं इसको जहां चाहूं वहां लगा सकता हूं, लेट्स गो। हम लोगों ने यार फर्नेस बना लिया, अब मेरे को बस यहां पर डालना है कोल के साथ इसको। ओ नहीं, ओए ओए, फर्नेस में नहीं काम करेगा क्या? हेलो, ये क्या क्या हो रहा है भाई, मेरे को तो बताया गया था इससे काम कर जाएगा। गाइस आई थिंक हम लोगों ने छोटी सी गलती कर दी है, मेरे को फर्नेस में आई डोंट थिंक यूज करना है। क्या क्या बना सकता हूं मैं, कोल्ड्रन बनाए क्या? कोल्ड्रन में हो सकता है गाइस हम लोगों को कुछ मिलेगा। ओके कोल्ड्रन, हाँ इनफ रिसोर्सेज है। देखा मैंने बहुत देर से माइनिंग की है भाई, इस गेम में तुम क्रिएटिव मोड में जा ही नहीं सकते हो। ओके तो यहाँ पर फ्यूल में अपन लोग लगाएंगे कोल, ऑल राइट, और रॉ मीट पकने लग गया, लेट्स गो लेट्स गो। खाना पकड़ा है गाइस हमारा यहाँ पर, और ये क्या, ओ भाई कुक्ड मिल गया, कुक्ड मीट अनलॉक्ड। भाई चॉप देख रहा है ब्रो, तेरा भाई ने यहाँ पर टेस्टी टेस्टी खाना बना
लगा के रेडी रखा है। फ्रॉस्ट भाई यार जल्दी आने भाई, मेरे को भी दो ना थोड़ा सा। अरे रुक भाई, पहले मेरे को खाने दे, मेरा हेल्थ बार टोटली जीरो हो चुका है भाई। अगर किसी ने भी मेरे पर अभी अटैक कर दिया ना तो हमारी 12:30 बज जाएगी। फ्रॉस्ट भाई लेकिन अभी तो दोपहर के 2 बज रहे भाई, आपके ऊपर 12:30 कैसे बज जाएंगे? अरे तू मेटाफोर है भाई, प्लीज छोड़ दे भाई, इसको समझाना ही बेकार है। ओके सो गाइस, आप लोगों ने देखा कितना जल्दी हम लोगों का हेल्थ फुल हो गया बस 2 बार में। और अगर मैं अनकुक्ड खाता ना तो मेरे को लगभग 10 बार खाना होता तब भी शायद ही मेरा हेल्थ फुल होता। ओके जल्दी से जल्दी मैं इनको मारता हूं यहां पर, क्योंकि गाइस ये रिस्पॉन होते रहती है, तो हु केयर, जल्दी जल्दी निकलना। अरे निकलना यार, अरे भाई मर जा यार। ये वुड का जो इक्विपमेंट है ना गाइस, बहुत कम डैमेज देता है, देख सकते हो। एक बार मैं मारता हूं ना तो सिर्फ और सिर्फ 8 का डैमेज मिलता है, ये तो चीटिंग है भाई। मैंने इतनी मेहनत की है यार, थोड़ा तो रिवॉर्ड करो हम लोगों को, थोड़ा अच्छा डैमेज दो यार। छोड़ो कोई बात नहीं, इनको समझाने का कोई पॉइंट नहीं है गाइस। अब मेरे को जितना जल्दी हो सकता है सारा मेटल इकट्ठा करना है। और जो लोग सोच रहे हैं कि भाई पिछले गेम में मैंने एक घर बनाया था, वो घर कहां गया, आई एम सो सॉरी, बट मेरे को भी अभी पता चला है कि भाई इस गेम में ना आप सेव नहीं कर सकते हो। लाइक आपने की जो भी प्रोग्रेस है, जब तक आप खेलना है खेलो, एक बार आप गेम बंद करोगे आपकी प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी, टाटा बाय बाय, यानी कि हम लोगों को बार बार शुरू करना पड़ेगा। भाई मैंने जब ये बात सुनी ना, मेरा दिमाग का दही हो गया यार, इतनी मेहनत की थी ना चॉप हम लोगों ने। फ्रॉस्ट भाई बहुत मेहनत की थी भाई, प्लीज यार मेरे को कुछ गिफ्ट दे दो भाई। अरे ये ले जा भाई, तू ऐश कर अपना वुड का सामान ले यहाँ पे टूल, और हम लोग चलते हैं अभी आगे, क्योंकि यार हम लोगों को थोड़ा सा आयरन लेने जाना है। चॉप यार तूने कहाँ बताया था आयरन है? फ्रॉस्ट भाई जहाँ पे मैं था भाई उसी एरिया के अराउंड आपको आयरन मिलेगा ब्रो। अरे लेकिन भाई तू श्योर है कि वहाँ पर आयरन है? क्योंकि जहाँ तक मेरे को याद है हम लोगों को यार उसके साथ बार्क भी चाहिए। फ्रॉस्ट भाई टेंशन मत लो यार, सब मिल जाएगा आपको। ओके ओके एक सेकंड गाइस, ओके कुक्ड मीट अपना रेडी हो चुका है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे और कुछ डाल सकता हूँ क्या? नहीं 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 गाइस, हम लोगों को आयरन जो है लाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे फर्नेस में कुछ डाल सकता हूँ क्या? आई थिंक इसमें भी हम लोगों को वही लगेगा। रुको एक काम करता हूँ, फ्यूल को मैं रख लेता हूँ, फालतू का हम लोग यार आग नहीं जला सकते, कोयला बहुत ज्यादा जरूरी है। रॉक काम करेगा? नहीं यार, आई डोंट थिंक इससे कुछ होने वाला है गाइस, हम लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं। चलो अभी हम लोगों का गोल है आयरन खोजने का। फ्रॉस्ट भाई यार मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया भाई, जिधर मैं था उधर आपको आयरन मिल जाएगा। ओके गाइस ये देखो, यहाँ पर हम लोगों को आयरन के बहुत बड़े बड़े रॉक्स देखने को मिल रहे हैं। ओ भाई कितना खूबसूरत लग रहा है ना पूरा का पूरा नजारा, देख रहे हो? माइनक्राफ्ट से बहुत बेटर गेम है भाई, मतलब लोग अगर इसको सिर्फ एक बार ट्राई करेंगे तो उनको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा जबरदस्त गेम है। देखो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, ये गेम सही में अच्छी है, मेरे को पैसे वैसे नहीं मिले कंपनी से, इट्स जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले कहा इट्स टोटली फ्री, तो एक बार जाओ खुद ट्राई करो तुम्हें भी पता चलेगा। और तो और यार आपको इसको चलाने के लिए आई डोंट थिंक बहुत जबरदस्त कंप्यूटर चाहिए, आई थिंक एकदम बेसिक से कंप्यूटर में भी हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, बट भाई अपने रिस्क पे चलाना, मेरे को नहीं पता, अगर आपको कम FPS मिलेंगे तो मेरे को मत बोलना। फ्रॉस्ट भाई यार आप यार फोकस करो भाई क्राफ्टिंग पे, आप क्या कर रहे हो, नौटंकी कर रहे हो उधर जाकर? अरे नहीं 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 भाई, मैं अपने हाथ चला रहा हूँ फुल स्पीड में। गाइज आज मैं आपको दिखाऊंगा ना कि OP माइनिंग, OP क्राफ्टिंग और OP आर्मर डिजाइनिंग कैसे करते हैं। जी हाँ, गोल्ड का आर्मर बनाना बच्चों का खेल है नहीं, एक्चुअली मैं हम लोगों के भी हाथ का खेल नहीं है, बट थैंक्स टू द न्यू अपडेट हमें इतने ज्यादा प्रेशियस मेटल्स देखने को मिले हैं यहाँ पर। और अब देख सकते हो धीरे धीरे रात का अंधेरा यार हर तरफ छा रहा है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हो छोटे छोटे तारे आसमान में टिमटिमा रहे हैं, और इसका इंडिकेशन है कि हम लोगों के पास हो चुका है इनफ आयरन, और अब हम जा करके आयरन का ना और को यूज करके आयरन बार्स बना सकते हैं। और आयरन बार्स जब एक बार सॉलिडिफाई हो जाएंगे ना तो उनको हम लोग डाल करके भाई फर्नेस के अंदर मोल्ड करके जो भी शेप देना चाहे दे सकते हैं। लाइक आर्मर बनाना है आर्मर बनाओ, तुम्हें वेपन्स बनाना है वेपन्स बनाओ, फॉर हेल भाई तुम्हें फर्नीचर बनाना है तुम फर्नीचर तक बनाओ। लाइक इतना OP चीज है, आई डोंट थिंक माइनक्राफ्ट में आप आयरन के फर्नीचर बना सकते हो, बट यहाँ पर यू कैन डू इट। ऑलराइट तो अभी जो है हम लोगों ने अपना आयरन ओर डाल दिया है गाइज, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो गाइज तब तक अपन लोग यहाँ पर खाने का सामान इकट्ठा करते हैं, और आपको तो पता ही है खाना भाई कभी भी कम नहीं पड़ना चाहिए, और मीट से ज्यादा बेटर रिसोर्स ऑफ फूड मेरे को इस गेम में अभी तक नहीं मिला यार। तो जल्दी से इन वर्चुअल काउज को यहाँ पर खत्म करते हैं और आगे चलते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्नेस में आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे से काम हो रहा है, और 20 आयरन बार्स रेडी हो चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू क्राफ्ट समथिंग बेबी, हम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। ओके कहां गया टूल्स, कहां गया स्टेशंस, क्या अच्छा एनविल तो बनाना मैं भूल ही गया। अरे यार एनविल इतनी इंपॉर्टेंट चीज को कैसे भूल सकता है, बताओ यार मैं भी कितना घोचू आदमी हूं, बिना एनविल बनाए ही हम लोग आयरन के वेपन्स बनाने जा रहे थे। चलो अब जल्दी से मैं इसको यहां पर प्लेस करता हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया भाई घर बनाने में हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करने वाले हैं। गाइस एक छोटी सी प्रॉब्लम आ चुकी है, मेरे को थोड़ा सा बर्च भी लेना होगा, क्योंकि जब आप आयरन का इक्विपमेंट बना रहे हो ना तो आपको बर्च वुड का जरूरत पड़ेगा, और बर्च के जो स्पेशल पेड़ होते हैं ना आपको इन्हीं से वो टाइप की स्पेशल लकड़ी मिलने वाली है। तो जल्द से जल्द मैं इस बर्च के पेड़ को यार यहाँ पर फिनिश करता हूँ, एंड लेट्स कीप मूविंग। अच्छा मेरे को 2-3 पेड़ और काटने होंगे, मैं आपको काट के मिलता हूँ, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गो।
ऑल राइट गाइज, वी आर बैक, और अब हम लोगों के पास इनफ मटेरियल है, जो भी इस गेम को चाहिए सब प्रोवाइड करेगा अपुन। और सबसे पहले बनाएंगे स्टील पिकैक्स, स्टैंट ना भाई, फाइनली रेडी हो गया हम लोगों का प्रेशियस प्राइज्ड पोजेशन, जो कि है स्टील पिकैक्स। मेरे को बहुत मेहनत लग गया भाई, मेरे को अभी सेलिब्रेट करने दो, तुम जानते नहीं हो मैंने कितनी मेहनत की है। फर्स्ट भाई कांग्रेचुलेशन भाई, आपने बहुत कुछ बना लिया यार बहुत कम समय में। अरे तू क्या जाने का छोटे, रियल लाइफ में अभी 15 मिनट ही हुए मेरे को गेम खेलते हुए, लेकिन मैंने इतनी प्रोग्रेस कर ली है जितना हम लोगों ने फर्स्ट टाइम में 15 साल में भी शायद ना कर पाते। गाइस इसको कहते हैं प्रोनेस। इसी बात पे अभी का अभी लाइक मारो यार, लाइक का बटन आपको नीचे दिख रहा होगा, प्लीज उसको ग्रे से ब्लू कर दो, आई मीन ब्लू से ग्रे, पता नहीं कुछ भी होता है, बस एक बार दबा दो, क्योंकि मैं चाहता हूं इस वीडियो पे 100,000 लाइक्स हो जाए। ऑलराइट गाइस, अभी हमारे पास काफी ज्यादा आयरन बार बचा हुआ है, लेकिन द पॉइंट इज कि हम लोग अभी जाएंगे गोल्ड माइन करने, क्योंकि आपको तो पता है मैं गोल्ड माइन करने के लिए कितनी देर से बेताब था, और अब टाइम आ चुका है दबा दब दबा दब दबा दब गोल्ड निकालने का, क्योंकि हम लोगों के पास है स्टील की पिकैक्स। लेट्स गो। ओके, कहां पर है गोल्ड? गोल्ड यही कहीं देखा था, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, ओ मिल गया गोल्ड। ओ भाई कलर सेम है, घास का और गोल्ड का कलर सेम है यार, अभी मैं मिस कर जाता। ओके गाइस, ओके, अरे अरे मारते कहो भाई, अरे अरे सॉरी भाई सॉरी, तुम्हें गलती से मार दिया, भागो यहां से, भागो तुम्हारी ऐसी की तैसी। एंड बैम, गोल्ड और अनलॉक्ड, निकलो यहां से, तुम्हारी वजह से मैं सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहा, निकलो निकलो तुम्हारी ऐसी। ओ भाई पिकैक्स से भी देख रहे हो इनको कितना तगड़ा डैमेज हो रहा है। दिस इज द पावर ऑफ स्टील पिकैक्स माय फ्रेंड। अगर आपके पास स्टील पिकैक्स हो तो आप मॉन्स्टर्स को भी पिकैक्स फेंक के मार सकते हो, ऑल्दो आपको पिकैक्स से माइनिंग करनी है, बट स्टिल अब ये काम करता हूं गाइस, मैं और भी इधर उधर का सारा गोल्ड इक्विप कर लेता हूं। ऑलरेडी वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, मैं आप लोगों को सीधा मिलता हूं जब हम लोग आर्मर क्रिएशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो लेट्स गो गाइस, रेडी हो जाइए, अब हम लोग आ रहे हैं अपना आर्मर लेने के लिए। तो आप देख सकते हो यहां पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, अब मेरे को ये सोचना है कि आखिर मैं लू कैसे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 20 गोल्ड बार है गाइस। या तो हम लोग चेस्ट प्लेट खरीद सकते हैं या फिर हम लोग पैंट्स खरीद सकते हैं, तो मैं सोच रहा हूं ना कि हम लोग आयरन और गोल्ड दोनों का मिक्सचर का आर्मर अपन लोग तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा यहां पर गोल्ड की चेस्ट प्लेट और जूते। अब आप लोग देख सकते हो मेरे पास कुछ नहीं बचा। ओ डैम भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हटाओ यार, इतना इतना ठीक है। पैंट की जरूरत किसको है, वैसे भी पैरों में थोड़ी कोई मारता है। ऑल राइट, सो रेडी हो जाओ गाइस, अब टाइम आ चुका है गोल्ड का आर्मर आयरन के साथ पहनने के लिए, लेट्स गो। ओ भाई क्या लग रहा हूं मैं, अरे यार मैं खुद को देख ही नहीं सकता, डैबिट। एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, देख रहे हो हम लोगों ने फाइनली अचीव कर लिया अपना गोल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर एंड स्टे फ्रॉस्टी।